अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। सिर में चोट लगने के कारण हुई आदित्य की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा। मुगरा बादशाहपुर के जंघई रोड स्थित गुरुकुल विद्यालय में शिक्षारत कक्षा 6 के छात्र आदित्य सिंह की मौत सिर में चोट लगने के कारण हुई थी। अंत परीक्षण रिपोर्ट में सिर में चोट लगना मौत का कारण बताया गया है। आदित्य की लाश बकुलाही नदी पुल के बगल मिली थी। सोमवार को वह घर से विद्यालय जाने के लिए साइकिल से निकला था, साथ में उसकी बहन अदिति भी थी। छोटी बहन अदिति को वह स्कूल के निकट छोड़कर कहीं चला गया। उसी दिन रेल पटरी के किनारे उसकी लाश मिली। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया एवं अंत्य परीक्षण कराया। आशंका जताई जा रही है कि वह बहन को स्कूल छोड़ने के बाद और वहां से ट्रेन पकड़कर प्रतापगढ़ जा रहा था। वह असावधानी बस ट्रेन से गिर गया अथवा उसे किसी ने धक्का दे दिया, दोनों संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि रेल कर्मियों ने उसे ट्रेन से गिरते हुए देखा। अंत्य परीक्षण रिपोर्ट में भी मौत का कारण सिर में चोट लगना बताया गया है, जबकि उसके परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। उसके पिता राघवेंद्र सिंह निवासी पतैया थाना सराय ममरेज प्रयागराज के निवासी हैं, जो अपनी पत्नी लक्ष्मी सिंह, बेटा आदित्य एवं पुत्री अदिति को लेकर मंडी समिति के बगल किराए के मकान में रहते थे। फिलहाल इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुलिस जांच कर रही है। परिजनों की आशंका को निराधार नहीं कहा जा सकता। वह ट्रेन से गिर गया अथवा उसे किसी ने धक्का दे दिया, दोनों पहलुओं पर पुलिस को जांच करना होगा, तभी कुछ मामले का खुलासा हो पाएगा। देश प्रदेश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।